जी आया नू आखदे हां आपां सारियां नू फद विजाउंदे हां आ सकदे हां बड़े प्रेम सत्कार नाल फद दी प्रवानगी देणगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समुचिया संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। गुरु महाराज कृपा करन जो आपां इत्थे आए हां गुरुद्वारा नाल श्री गुरु नानक साहिब दे चरण चौक प्राप्त स्थान चौहा साहिब जी विखे, सो आप समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोले सोने हमने करो हाथ दे रचा पूरे चिकी इच्छा तो जन्म भय हमारा बचा हो सुखी बस। सतसंग जी आ जाओ, सारी प्रबंधक कमेटी प्रधान जी सारे मेंबर साहिबान चेयरमैन साहब एडिशनल सैकटरी साहब डिप्टी सैकटरी साहब आ गए हैं। तो आप चलता सामने जिथे परेड लगाई हुई है सजा आप सारे ने जयकारिया के रूप के इस स्थान की जो उसारी हुई है आप स्वीकार करना है। तो आप संगता सारिया ही उस परेड को जाके सजो बोले मानयोग चेयरमैन जी एडिशनल सैकटरी साहब डिप्टी सैकटरी साहब प्रधान जी और सारे मैंबर सभा पहुंच गए हैं। सो हम आप जयकारिया की गूंज इस गुरु स्थान का सत्कार करना है। सो आप संगता परेड के कोल पहुंच करके जयकारिया के जवाब जयकारिया परेड की कृपालता कर दीजिए। सात संगत जी परेड के लागे लागे सजो जिथे सारी प्रबंध कमेटी अपना मेहर भरिया रखना अपने दरो करो नाम दान चढ़िया कलाम बख्शिश करना सतगुरु जी जिन्हें जिन्हें अपना मुकरा क्या आप जी दर कर दे सारी कंप्लीट करवाई पातशाह जी तिना दियां शुभ मनोकामना पूर्ण कार्य रास करने सतगुरु पातशाह जी आपसी प्रेम प्यार दरो करो नाम दान खुशियां निखड़े बख्श के हर प्रकार सहायता बख्श के निहाल करना। इस वेले आप जी दियां संगत आप जी दे हजूर हाजरियां भरी हैं सतगुरु पातशाह जी समूह सेवका सेवकदारां दियां हाजरियां दर घर विखे परिवार के दरो करो नाम दान बख्शिश करना सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया आप जी का नाम चेता वे वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनेहा श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की।
प्रॉपर्टी बोर्ड, मैं अपनी ब्रांच की तरफ से और पूरी सिख बरादरी की तरफ से खुसूसी तौर पे सिख प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से मैं चेयरमैन प्रॉपर्टी बोर्ड डॉक्टर आमिर अहमद साहब का इंतहाई शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से चंद लम्हे निकाले और हमारे दरमियान में बैठे और हमारी पूरी सिख कम्युनिटी की हौसला अफजाई की। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, यकीनन आपकी यहाँ पे तशरीफ आवरी हमारे सब के लिए, हमारी ब्रांच के लिए और हमारी सिख कम्युनिटी के लिए जो पाकिस्तान में बसती है या दुनिया के किसी भी कोने में है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा हौसला अफजाई का मकाम है। मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ बता दूं इस गुरुद्वारा साहब का। ये गुरुद्वारा साहब एक आम गुरुद्वारा नहीं है, आपको पता है ये पहली बादशाही है जो कि हमारे गुरु नानक साहब यहाँ पे तशरीफ लाए जब उदासी काट के वो आते हैं टीला जोगियां से कटास राज वाले एरिया से यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे बड़े मजबूर और बेकस किस्म के लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कहा कि इस पूरे एरिया में इस संगलाक पहाड़ों में इधर कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है। तो नानक साहब ने फिर यहाँ पे पत्थर को हटाया, स्टिक लगाई, तो यहाँ से अमृत कुंड का जो है वो शुरुआत हो गई। उन्होंने जो चश्मा निकाला, मैंने कहा कि वो चश्मा आज हमारे दिलों में भी फूटा हुआ है कि आज सिख और मुस्लिम इतिहाद का ये बहुत बड़ा एक मुंह बोलता जो है ये सबूत है कि जिसमें हम सब ने आज शिरकत की है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के आला तरीन जो है इस महकमे के जो सरबराह हैं वो भी तशरीफ लाए हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं अभी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि सर अपने ख्याल कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रधान साहब, तमाम पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, संगतें जो तशरीफ लाई हैं, मिस्टर बॉब फ्रॉम नगारा फाउंडेशन और रंजीत नगारा साहब की फाउंडेशन, ये मेरे लिए आज बड़ी खुशकिस्मती का दिन है कि ये जो कार सेवा हुई है इसमें अल्लाह ताला ने इस क्या इफ्तिताह के लिए मुझे मौका दिया है और मैं इस नेकी में शरीक हूँ। 2019 में मैं पहली दफ़ा जब यहाँ पोस्ट हुआ तो मैं यहाँ पे आया और इस जगह को देखा और यकीन मानिए कि ये ऐसी खूबसूरत जगह है और बाबा गुरु नानक का जो विज़न है, जो उनकी तालीमात हैं, उसके लिए ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे मुझे वाकई हैरत हुई कि हमने इसकी हिफाजत क्यों नहीं की और हम क्यों इसमें कोताही करते रहे। तो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, जिन साहबान ने, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ तावन किया, खासतौर पर PSGPC के तमाम मेम्बरान ने अपनी शबाना रोज मेहनत की वजह से, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम इस मकाम पे हैं कि ये रिस्टोर भी हुआ है असली हालत में और ये कोई रूटीन का काम नहीं था, ये बड़ी मेहनत का और बड़ा, ये देखने में शायद इतना नहीं लगता है कि मौजूदा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हमारी श्राइन ब्रांच की टीम और मैं, हम सब इस खिदमत में शिरकत किया हमने और इसको काम को पाया, तकमील तक पहुंचाया। जैसा कि आप सबको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की विजन है कि पाकिस्तान में रिलीजियस टूरिज्म भी हो और उससे पहले हमारे आइन के मुताबिक तमाम मज़ाहिब को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल मौके मैसर हों, उसके तहत ये एक हमारी हकीर सी कोशिश है, हमारी कोशिश और जगहों पे भी जारी है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उसमें भी सुरखरू करे और हम इस तरह की मजीद खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं मानयोग डॉक्टर आमिर अहमद साहब चेयरमैन आवा के ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जनाब राणा साहब, राणा शाह सलीम साहब, इमरान गोंदल साहब, तमाम PSGPC के मैंबरान, ननकाणा साहब तो आई हुई समूह संगत, ग्रंथी साहबान, जिन्हें भी साड़ी मीडिया की टीम जिन्हें इतने ने, शबीर शाह साहब, मैडम रुबाब चिश्ती साहबा, सारिया ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। खासकर जेडे साढ़े संगत बीबिया बच्चे ननकाणा साहब तो विशेष तौर पर इतने पहुंचे हैं, मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता हाँ और मैं धन्यवाद करता हाँ और एप्रीशिएट करता हाँ कि साड़ी कल रात परसों तो अजहर शाह साहब, आतिक गिलानी साहब, साड़ी ATPP की पूरी टीम
इस जंगल दे विच मंगल जिहड़ा बनाया जिहड़ा तुसीं देख रहे हो संगतां वास्ते आप जी दे वास्ते लंगर दा प्रबंध सारा जो इन्होंने किया मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। चेयरमैन साहब पूरी सिख कौम की तरफों मैं तुहाडा धन्यवाद इस करके करदा हाँ कि तुसीं वधाई दे पात्र हो। जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि 2019 दे विच जदों आपां सारे इकट्ठे इत्थे आए सन ते इस गुरुद्वारे की हालत जदों देखी ते हर बंदे दा हर इंसान दा जिहड़ा दिल जिहड़ा बड़ा हिरदा वलोंदर आ गया कि एडा पवित्र स्थान जिथे गुरु नानक पातशाह दे चरण छू प्राप्त हन और उहदी इह हालत है। लेकिन मैं जिथे सारे दा धन्नवाद करदा हाँ मैं इमरान गोंदल साहब और राणा साहब दा भी खास करके धन्नवाद करदा हाँ। इमरान गोंदल साहब ने वक्तन फौतन 6 बजे 7 बजे साडे नाल इत्थे पहुँच के इत्थे दे जिहड़ा विजिट किया देखिया सारा और सानू समझाया गाइड किया। सिर्फ ये गुरुद्वारा ही नहीं पिछले 3-4 साल के अंदर गुरु महाराज की बख्शिश हुई है सब थोड़े ते साडे ते ये साडे झोली च गुरु महाराज ने बड़िया वड्डिया खुशियां पाईया। करतारपुर साहब का लांघा हो गया 550 साल का गुरपुरब हो गया। एक वक्त दे विच पूरी दुनिया दे विच रहण वाले सिख जिथे ये हौसला छड़ गए सन कि पाकिस्तान दे विच सिखां दी गिणती घट होण कार करके जिहड़े साडे इतिहासक स्थान ने गुरुद्वारे साहिबान ने जिस तरह टह टेरी हो रहे सन असि यह समझ रहे सन कि एक वक्त आएगा कि 2-4 गुरुद्वारों तो बाद शायद इतिहास उतों मलिया मेट हो जाए। पर असि अवेको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के तमाम अफसरान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं कि जिस हिसाब न वो साडे गुरतावान को प्रिजर्व कर रहे हैं जिस हिसाब ना साडे गुरुद्वारों की देखभाल किए जा रहे हैं। मैं अक्सर अपने जो साडे इंडिया के दोस्त आते हैं जो इतने मत्था टेकन जाते हैं जाके जाते हैं तो मैं उन्होंने अक्सर कहना कि साडे इस वक्त जिहड़े साडे ऑपरेशनल गुरुद्वारा साहिबान ने जिथे प्रकाश होंदे ने जिथे साडी आबादी है वो तुसीं हिंदुस्तान दे पूरी दुनिया दे किसी भी गुरधाम दे नाल कंपेयर कर सकते हो और सब दे नाल अच्छे 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 ढंग दे नाल चला रहे हैं। सो अंत विच मैं फिर आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि तुसीं विशेष तौर पर अज अपने जिहड़ा तुहाडा रजेवा सी उस चो टाइम कढ के तुसीं इत्थे साडे कोल पहुंचे हो। मैं तमाम पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिनी टीम है उन्होंने भी अप्रीशिएट करता कि उन्होंने भी बड़ा सलाहन योग योगदान पाया है जिन्हें भी साढ़े पिछला 2-3-2.5 साल का टर्नओवर गुजरिया है। सो आप जी के वास्ते सारे वास्ते से अरदास करते हैं। चेयरमैन साहब तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष तौर पर इस सेवा दे विच पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अवैकी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के नाल जिन्होंने योगदान पाया उन्होंने सहयोग में जिहड़ा बनिया रणजीत लंगारा सरदार सुखप्रीत सिंह जी और साढ़े वालों एक राणा साहब उन्होंने अक्सर कहते हैं खामोश मुजाहर डॉक्टर महपाल सिंह जी उन्होंने जिक्र करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने दिन रात इस कर एक करके इस गुरधाम वास्ते बड़ा योगदान पाया और सिर्फ इस वास्ते नहीं साडी कमेटी दे विच डॉक्टर महपाल सिंह जी का बड़ा योगदान है। असी तो अरदास करेंगे गुरु महाराज इन्हां दी सेवा प्रवान करे। सो एक बार फिर आप समूह संगतां दा शबीर साहब नजर आ रहे हैं और दूसरे बाबा जी नजर आ रहे हैं इन्हों का बड़ा योगदान है। जब इतने कोई नहीं सी इन्होंने इन चीज़ों का प्रगटावा किया कि जी इतने तुहाडे गुरधाम ने ते इसे माता साहबपुर का जन्म स्थान है ठेला चौकियां का सारे तो आने वाले वक्त असं आस रखते कि साडी सरकार पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मिलकर जिन्हें साडे गुरधाम ने उन्होंने उन्होंने सेवा संभाल अच्छे तरीके संभालेगी। सो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद वहीं अपना चुका दिखेवा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। क्योंकि अज सुबह सुबह सतप्रीत वीर जी की कॉल आई सी और उन्होंने स्पेशली एक मैसेज भेजा सी जो इस वक्त रणजीत नगारा दे वो करता दत्ता है। सो मैं उन्होंने वालों खास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का और फिर इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमर अहमद साहब का एडिशनल सैकटरी राणा साध साहब का और उन्होंने विशेष तौर पर मैं बार बार किया है कि इमरान गोंदल साहब जी का बहुत शुक्रिया अदा करना क्योंकि उन्होंने साडे नाल बहुत ज्यादा तावन किया और अज ये गुरुद्वारा जो साडे सामने है ये सारे ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और फिर प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहले सरदार सतवंत सिंह फिर सरदार अमीर सिंह दोनों ने बहुत ज्यादा सहयोग दिता और नालों नाल मैं धन्यवाद करांगा खास तौर पर जी साडे कोल रुबाब चिश्ती साहब हैं जिन्होंने शुरू तो लैके हुण तक इस गुरुद्वारे नूं जिस तरीके नाल फ्रंट पेज ते लाया बाबा जी होरां दा धन्यवाद ये सारा उन्हां वल्लों सी। सो मैं उन्हां दे बयाप दे उत्ते एक बार फिर समुचियां संगतां दा
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕੇਰ ਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।